हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम 15 सी करते हैं और 15 सी जो एक्सरसाइज है उस पर आइडेंटिटी जाएगी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स। देखिए यहाँ पे डिफरेंस मतलब माइनस और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स मतलब कि टू परफेक्ट स्क्वेयर होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए वन एग्जांपल आई एम टेकिंग डेट 16x² माइनस 81y² अब ये आइडेंटिटी किस पे जाएगी जब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। तो एक्स और वाई तो है ही परफेक्ट स्क्वायर, आपको देख ही रहा है, और 16 जो है वो भी है 4 4s और 81 जो है वो 9 9s, मतलब कि पूरे के पूरे सारे टर्म्स है। ओके सो मतलब सब दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर्स है, तो उसमें ये आइडेंटिटी जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ओके तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 4x² माइनस 9y² तो यहाँ पे ए आपका 4x है, बी आपका 9y है, सो 4x माइनस 9y एंड 4x प्लस 9y। ओके सो हम ओके सो आपको ये क्लियर होगा। सो हम एक्सरसाइज 15C स्टार्ट कर रहे हैं। 15C में पहला वही है 4x², फर्स्ट इज 4x² माइनस 9y², तो मतलब कि ये 2x² इसको लिख सकते हैं और माइनस 3y² इसको लिख सकते हैं। सो अप्लाइंग आइडेंटिटी 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y। देखिए बच्चे टेक्स्ट बुक में क्या है, एक एक आइडेंटिटी में एक एक एक्सरसाइज है, ओके लेकिन क्या होगा आपको एग्ज़ाम में सारे सब साथ में आएंगे तो आप कैसे करेंगे, तो आपको एक एक आइडेंटिटी याद करनी है और सॉर्टिंग करना है कि इसमें कौन सी जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, क्योंकि इसके बाद भी एक आइडेंटिटी है, इसके बाद की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो फर्स्ट जा रही है नहीं जा रही है तो सेकंड पे जाओ, सेकंड जा रही है हाँ जा रही है तो वो अप्लाई करो, नहीं जा रही है तो देखो ये जा रही है कि नहीं, वरना तो फिर फोर्थ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि भाई कौन सी आइडेंटिटी जाएगी। सेकंड है 81p² माइनस 121। 81 मतलब 9p² और ये 121 11 का है तो 11 होल स्क्वायर, सो 9p माइनस 11 एंड 9p प्लस 11। थर्ड 100 माइनस 49a² 100 है 10 का स्क्वायर माइनस 49 है 7 और a होल स्क्वायर, सो ये 10 माइनस 7a 10 प्लस 7a। देखिए 7a प्लस 10 लिख सकते हो लेकिन 7a माइनस 10 नहीं लिख सकते हो आप, सो बेटर आप ऑर्डर चेंज ही मत करो, 10 माइनस 7a और 10 प्लस 7a ऐसे ही लिखो। a^5 माइनस 16a³। अब देखिए इसमें है ना ए क्यूब कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 16 हुआ तो ए क्यूब तो कैरी फॉरवर्ड ही होगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस 4² है, ए क्यूब तो रहेगा ही, सो ए माइनस 4 ए प्लस 4। ओके मतलब देखिए मैम यहाँ पे ये क्वेश्चन उठेगा कि मैम आपको पता कैसे चला कॉमन, भैया जहाँ तक कॉमन निकलता है वहाँ तक निकालो ना, क्यों नहीं निकालना है। और ये 5 और 3 जो है a^5 और a^3 वो इवन नहीं है, हमको तो ये आइडेंटिटी के लिए हमको इवन पावर्स चाहिए, राइट। सो 5 और 3 है इसीलिए निकाला, लेकिन फिर भी हो सके उतना कॉमन निकालो और बाद में फिर अप्लाई करो आइडेंटिटी को। 12x² माइनस 75y². अब देखिए x² y² तो है लेकिन 12 और 75 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ पे 3 कॉमन निकालूंगी, तो 4x² माइनस 3 2 6
थ्री फाइव जो 15 y स्क्वायर। अब देखिए ये 4 और 25 है परफेक्ट स्क्वायर, यस, तो फिर अब आइडेंटिटी जाएगी, लेकिन 3 को साथ में लेके चलना है, उसको भूल नहीं जाना है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, लिखा बाद में सोचेंगे कि अब मैं आंसर में लिख दूंगा या लिख दूंगी, नहीं ऐसा नहीं करना है, उसको साथ में ही रखिए, साथ में ही लेके चलिए, भले आपको लिखना पड़े बार बार, ओके। तो ये प्रैक्टिस रखो ही। 6 है x³ - 64x, तो x कॉमन निकल जाएगा, बचा क्या x² - 64, सो x कॉमन x² - 8² सो यहाँ पे x(x-8) x+8। 7th इज 15x^5 - 135x³, एक्स क्यूब कॉमन, सो 15x² - 135, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो आप क्या करो, 3 5 कॉमन निकालो, या तो 3 कॉमन निकालो, या तो फिर आप 15 के टेबल में ही 135 आता होगा, ठीक है, तो उस डायरेक्ट उससे ही कर लो। सो 15 9 135 है। अगर नहीं क्लिक होता है तो कोई बात नहीं, आप 3 से पहले करो, ठीक है, चलो 3 से करते हैं। पहले मैंने 3 कॉमन निकाला, तो ये 5x² - 3 में क्या होगा, 4 जा एंड 5 जा। अब क्या करूँगी, मैं 5 कॉमन निकालूंगी, तो 3 × 5 × x³ x² - 9, ठीक है, या तो फिर 15 कॉमन निकालो, ओके। सो 15x³ × x-3 × x+3, ओके 8। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है पहली बार में ही अगर आप 15 निकाला तो आपका वो सम सही आ गया, जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस तरीके से बार बार आप निकाल सकते हो, जैसे जैसे आपको क्लिक होता है वैसे वैसे। यहाँ पे p³ कॉमन निकलेगा, सो 81p⁴ - q⁴। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो 2 2 जा होगा, सो p³ = 9p² ² - q² ², राइट, तो p³ तो रहेगा ही, सो 9p² - q² एंड 9p² + q²। अब देखिए इसको आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये भी अगेन इसमें ये सेम आइडेंटिटी यूज होगी, ओके। सो p³ × ये 3p² - q² और ये 9p² + q² सो p³ × 3p - q 3p + q एंड 9p² + q² ओके। सो ये आपका मतलब जितना हो सके, जब तक हो सके तब तक तो आइडेंटिटी आपको यूज करनी ही है। नाइन्थ है x² / 36 - y² / 25, तो यहाँ पे x/6² - y/5² ओके, तो x/6 + y/5 एंड x/6 + y/5 सिंपल, सॉरी माइनस आएगा, ओके, सो x/6 - y/5। अब आगे किसी का कुछ नहीं होगा तो आंसर आपका यही रहेगा। तो 49 का 7, ये x, ये 12² माइनस ये होगा 4/5, ये y, ये होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 7x/12 - 4y/5 एंड 7x/12 + 4y/5। इलेवन,
एक्स स्क्वेयर अपॉन 8 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 32, तो 8 4 32, क्योंकि 8 और 32 दोनों परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो क्या करोगे आप, 1 अपॉन 8 कॉमन निकालोगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वेयर रहेगा माइनस वाई स्क्वेयर बाय 4 रहेगा, क्योंकि 32 8 4 32 है। सो 1/8 को लाओ, वाई एक्स माइनस वाई बाई 2 एंड एक्स प्लस वाई बाई 2 12 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर। तो यहां पे लेट एक्स माइनस वाई बी एम, सो इट्स 1 माइनस एम स्क्वेयर, सो 1 माइनस एम 1 प्लस एम, अब एम को सब्स्टिट्यूट कर लो, 1 माइनस एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये क्या होगा, 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये 1 प्लस, यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट ओपन करो ना करो साइन कोई चेंज होगी नहीं, तो ये आपका आंसर है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए, इतने सम्स इनफ नहीं है, सो बेटर आप कोई रेफरेंस बुक से ले और दिन के 10 सम्स करें, तब जाके आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करते हैं उसमें होल्ड आएगा, वरना तो फिर क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा कि मैं आइडेंटिटी कैसे यूज़ करूँ और उसको कैसे अप्लाई करूँ। ओके, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू सो मच।